पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने के मामले की तस्वीर अब साफ हो गई है। चुनाव आयोग ने मामले में हमले की बात को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय, विशेष पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया है। इस मामले में चुनाव आयोग के सामने दो रिपोर्ट पेश की गई। पहली रिपोर्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने दी, जिसमें ममता को लगी चोट का कारण कार का दरवाजा बताया गया। इसके बाद देर शाम स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि नंदीग्राम में ममता के साथ हुई घटना एक हादसा था, उनके काफिले पर किसी भी तरह के हमले के कोई सबूत नहीं मिले। ममता के साथ उस दिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी। राज्य के सीईओ ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना वाली जगह पर काफी भीड़ थी। रिपोर्ट में लिखा है कि मौके की क्लियर फुटेज नहीं है। घटना के बाद ममता ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया था। जिला प्रशासन ने एक सीनियर अफसर ने बताया कि उस इलाके में सिर्फ एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, वह काम भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मौके पर मौजूद लोग भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाए, इससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ममता बनर्जी ने ड्रामा रचा था, अब ये सभी को पता चल गया है। ये आम जनता भी यही समझते हैं, ऑब्जर्वर का बात नहीं, देश के हर प्रांत के नागरिक और खुद का पार्टी के लोग, बंगाल का पुलिस, सभी लोग यही समझते हैं ये ड्रामा है। इस ड्रामे के कारण ही ममता बनर्जी एक किया है, इसलिए वो इसके कारण आज बंगाल में बंगाल के जनता के सामने ममता बनर्जी पूरा और ज़्यादा गिर चुकी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल में लगी हुई है। अब जब एक्सपायर फार्मूले और एक्सपोज सेल्फ गोल होंगे तो सच्चाई सामने आएगी, लोगों के पता लगेगा कि पैर जो है ज़मीन पे फिसला है या ज़मीन से पैर फिसल गई है या पैर से ज़मीन फिसल गई है। तो अगर पैर से ज़मीन फिसल जाती है तो इसी तरह के चूचू चिक चिक चूचू का मुरब्बा जैसे मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। जब कहने को कुछ नहीं होता तो करने को इसी तरह के पॉलिटिकल पाखंड दिखाई पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप अगर बताएं कि आपके कार्यकाल में आपने बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल के गरीबों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है, वो है नहीं कहने के लिए। केवल पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच, इसके अलावा कुछ है नहीं। और ये चीज़ें एक के बाद एक एक्सपोज हो रही हैं। जब एक्सपोज हो रही हैं तो आप जो है वो 20वीं सदी में 18वीं सदी के एक्सपायर फार्मूले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक्सपोज हो रहा है बार बार। और जब एक्सपोज होगा तो आप कभी व्हीलचेयर पे पहुंच जाएंगे, तो कभी स्कूटी पे पहुंच जाएंगे, तो कभी जो है वो कहीं और पहुंच जाएंगे, और फिर कहेंगे कि साहब भाई बचाओ बचाओ बचाओ, हम तो गलती कर दी है, हमने कुछ किया नहीं, लेकिन अब एक बार हमें और मौका दो ताकि हम फिर से आपको जो है वो सोशल कर सकें, वो होगा नहीं। बता दें कि टीएमसी नेता सौगत रॉय ने पार्टी नेताओं के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि हमने हमले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। जब घटना हुई वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सौगत ने आरोप लगाया कि ममता पर हमला उन्हें जान से मारने के लिए करवाया गया था। हमले के पीछे किसी की गहरी साजिश छिपी हुई है।